फोर सीजन्स में आया हूँ किसी से मिलने। ये देखिए यहाँ से एंट्री लेते हैं हम। अभी मैं जा रहा हूँ होटल में, देखिए कितना बढ़िया लिफ्ट है यहाँ पे। तो आ गया हूँ मैं महालक्ष्मी, सोचा है आपको धोबी घाट दिखा दूँ। जस्ट महालक्ष्मी स्टेशन मेरे पीछे ही है और ये है धोबी घाट। इस हाई राइज के बीच में बना है धोबी घाट, छोटे छोटे धोने के लिए एरिया भी बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए हिस्ट्री है धोबी घाट की। ये है सामने स्टेशन। धो के ये ऊपर लाके अभी सुखा रहे हैं। आकर्ष रिएक्शन, उसका वीडियो देख के कितना खुश हो रहा है आकर्ष। वाओ आकर्ष कौन है? अरे वाह वाह। हाय फ्रेंड्स, तो आ गया हूँ मैं माटुंगा, चलिए एक्सप्लोर करते हैं माटुंगा के कुछ प्लेसेस को। ये देखिए यहाँ पे फुल मार्केट है, यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है पूरा। आ गया हूँ मैं श्री वेंकटेश्वरा शॉप में। सौरभ जी के साथ मैं डिस्कशन कर रहा था। सर बताइए आपके शॉप के बारे में, कितने साल से ये खुला है यहाँ पे? ये 30-40 साल रहेगा। अच्छा, ये सब जो फूल आप दिखा रहे हैं ये पब्लिक क्या चढ़ाने के लिए लेती है हर रोज यहाँ से? मंदिर के लिए, शादी के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे काफी है, मतलब मंदिर काफी है माटुंगा में? मंदिर 3-4 मंदिर है इधर, शादी का हॉल भी बहुत है। ओके परफेक्ट, तो बिक्री हो जाती है आपकी? नहीं जाएगा, अपना भगवान है इधर चढ़ाता है। देखो अच्छा दिख रहे हैं। ओके, दूसरा भी मंदिर हम लोग चढ़ा के आते हैं भगवान को सुबह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो घूमने का बहुत डिजाइन का बड़ा बड़ा हार रहेगा, गणपति से पूरा भर के रहता है पूरा माटुंगा में। अच्छा, गणपति में, दिवाली में, दशहरा में के फूल बना रहे हैं कितने प्यार से। तो क्या क्या लगा रहे हैं सर? ये बेनी पाला बोलता है और गोल्डन फूल आगे चलता है। तो ये फूल आप लोग कहाँ से लेके आते हैं? ये दादर से आता है, नासिक से आता है। ये दर्शन के हिसाब से फूल बनाते हैं यहाँ पे? ये बाल में लगाते हैं। अच्छा, ये बाल में लगा शादी के वक्त। परफेक्ट। मेरे पीछे है इस वक्त माटुंगा का राम मंदिर। देखिए ये मंदिर को कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया है। वाह, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुली डन ना। अब हम आ गए हैं साउथ इंडियन भजन समाज के मंदिर में, ये भी माटुंगा में ही है। टाइमिंग इस तरह से है, मंदिर के दर्शन आप लेने आइए ज़रूर। मंदिर है, राम मंदिर है, और ये शंकर मठम है। आप यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से दर्शन करने आइए। दिस ब्यूटीफुल टेम्पल, वाओ, इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस माटुंगा, वेरी पीसफुल। कितने झाड़ है यहाँ पे। देखिए माटुंगा के इसमें हम किंग सर्कल में भी आ गए हैं। ब्यूटीफुल बाबा साहेब अम्बेडकर के जंक्शन पे है ये जगह, सच अ नाइस प्लेस। गया हूँ मैं अयप्पन इडली कॉर्नर, मस्ट ट्राई दिस। हाँ, अयप्पन इडली तमिल वाला। दिस इज ब्यूटीफुल योगी धाम। यहाँ शाम के वक्त जो हवा चलती है, इट इज अ प्लेजेंट एटमोसफियर। छोटी मच्छी सिदरी है जिसको आज मतलब ऐसा अचानक मतलब प्रोग्राम बन गया तो बना रहे हैं। तो इसको लाया अभी इसको धो लिया, धो के फिर हल्दी मिर्ची हल्दी और सरसों पीस लेते हैं इसे। फिर इसको गरम तेल में मतलब अभी डाल के फ्राई करेंगे। इसको चावल और रोटी के साथ मतलब सूखा खाते हैं, मतलब बहुत मस्त रहता है। ये बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मच्छी है, इसमें विटामिन बहुत रहता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आकर्ष,
अभी रात को मस्ती टाइम है, ये करो आकर डांस करो, चलो करो ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका। कहाँ है भाई, लायन दिखाओ सबको, चलो चलो, वेरी गुड।